हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक क्यूब सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो हमें पता है कि हर समय क्यूब में सबसे पहले प्लस बनाया जाता है। तो मैं ये प्लस बना रहा हूँ। तो ये हमारा प्लस बन गया, आप देख सकते हैं। अब इसके एजेस हमें मैच कर रहे हैं और ये रेड अभी ढूंढ रहे हैं, रेड मिल गया। अब बाकी सबके एजेस ठीक करने, ऑरेंज का ठीक है पर ग्रीन और ब्लू का गलत है। तो हम लोग इस वाले वाइट पार्ट को इधर लाएंगे। ग्रीन इधर आ गया तो ये भी मैच हो गया। अब हम लोग मिसिंग ब्लू पीस ढूंढ के इधर लाएंगे, ये हमें इधर लाना है। देखिए सारे एजेस मैच हो गए। अब हमें कॉर्नर्स मैच करने हैं वाइट कलर। वैसे ये कॉर्नर है, ये ब्लू इधर है, ऑरेंज इधर है, तो ये वाला कॉर्नर ठीक है। अब ये ग्रीन है और ये रेड है। अब यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे भी रेड है, तो ये कॉर्नर इधर आएगा। अब दूसरा कॉर्नर, ये रेड है इधर है, ये ब्लू है इधर है, तो ये वाला वाइट यहाँ पर आएगा। और आखिरी कॉर्नर, ऑरेंज इधर है और ग्रीन इधर है, तो अब हम लोग ये कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट लेयर बन गई। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर के लिए हमें एल्गोरिथम चाहिए होगी। सबसे पहले ऊपर देखना है कि कौन से पाथ में, कौन से एज में येलो कलर नहीं है। तो ग्रीन में है थोड़ा हाथ ऊपर, इसमें ऑरेंज, इसमें है ऑरेंज और ग्रीन, तो इसमें येलो नहीं है, तो ये पार्ट आएगा इधर। तो हम इसके लेफ्ट के एल्गोरिथम लगाएंगे। और ये देखिए ऑरेंज और ग्रीन इधर आ गया। अब हम लोग और ढूंढते हैं। ये देखिए रेड और ब्लू मिला, तो ये रेड से मैच करेगी और ब्लू लेफ्ट साइड में, तो हम लोग फिर से लेफ्ट के एल्गोरिथम लगाएंगे। मेरा भी करना है वीडियो रिकॉर्ड। अब और ढूंढते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आ गया और ये देखिए एक और मिला, रेड और ग्रीन। ये यहाँ रेड से मैच हो गया और ग्रीन इसके राइट साइड है, तो अब हम लोग राइट के एल्गोरिथम लगाएंगे। तो देखिए अब हमारी सेकेंड लेयर भी बन चुकी है। अब हम लोग करने जाए लास्ट लेयर। लास्ट लेयर में तीन स्टेप होते हैं। पहले प्लस बनाना है, नया प्लस बना हुआ है। ये देखिए मुझे मिला है अब एल। तो पहले एल को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, इसको वर्टिकल में पकड़िएगा क्योंकि वरना कंफ्यूजन होगी, तो इसको हॉरिजॉन्टल वे में पकड़िएगा। अब इसको फिर से, अब ये बन गया पूरा प्लस। अब हमें ये वाले एजेस मैच करने हैं। तो ऑरेंज ढूंढ रहे, ऑरेंज मैच हो गया, ऑरेंज मैच हो गया, ब्लू भी मैच हो गया, रेड भी मैच हो गया, ग्रीन भी मैच हो गया, मेरा बन गया। पर अब मैं आपको करके दिखा रही हूँ एजेस, तब भी दिखते देखिए। अब मेरे एजेस शफल हो गए हैं, ये रेड मैच है, बाकी सारे कोई भी नहीं है। तो एक और बार घुमाएंगे, ऑरेंज और ग्रीन मैच है। अब जब दो मैच होते हैं तब हमें एक और बार राइट साइड में घुमाना होता है, तब जो मैच होगा, ऐसे ब्लू मैच हुआ तब ब्लू को हम लोग अपने लेफ्ट साइड में रखेंगे और फिर एजेस के एल्गोरिथम लगाएंगे। दो बार ऊपर, इधर इधर इधर, फिर ऐसे दो बार, ऐसे 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 ऐसे, और हो गया। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारे सारे एजेस हो गए। अब लास्ट स्टेप है, सेकेंड लास्ट स्टेप है, हमें अपने कॉर्नर्स बनाने हैं। अच्छा ये देखिए ग्रीन नहीं है यहाँ पे, रेड भी नहीं है, तो ये कॉर्नर ठीक नहीं है। रेड है, ब्लू है, ये कॉर्नर ठीक है। तो आप इस कॉर्नर अपने लेफ्ट में रखेंगे, फिर कॉर्नर्स का
एल्गोरिथम लगाएगी, ऊपर राइट, लेफ्ट ऊपर, फिर लेफ्ट, फिर वापस राइट वाला नीचे, फिर पीछे, फिर नीचे। अब ये देखिए मेरे सारे कॉर्नर्स रेडी हो गए, ये कॉर्नर रेडी हो गया, ये हो गया। अब ये कॉर्नर ठीक है, ये इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर। ज़्यादातर बच्चे ये फ्लिप करते हैं, पर इस बार हम लोग नीचे पीछे ऊपर आगे, ये एक एल्गोरिथम है जिससे हम लोग कर सकते हैं। तो जो जो कॉर्नर में बनाने हैं वो हम लोग राइट में रखेंगे, फिर नीचे पीछे ऊपर आगे, जब तक येल्लो यहाँ नहीं पहुँचते तब तक करते रहना, नीचे पीछे ऊपर आगे। आप देख सकते हैं मेरा येल्लो आ गया। अब ये एक और बार घुमाना, एक नीचे पीछे ऊपर आगे, नीचे पीछे ऊपर आगे, नीचे पीछे ऊपर आगे और नीचे पीछे ऊपर आगे। तो इसी के साथ हमारा क्यूब बन गया है, और इसको 2 लाख लाइक्स तक जल्दी ज़रूर बता दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।